हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये वाला मेकअप लुक जो कि मैंने करवा चौथ फेस्टिवल के लिए क्रिएट किया है। और इसको आप भी बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल ले रही हूँ। ये ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है और काफ़ी अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ जेल आईलाइनर डार्क ब्राउन शेड में, क्योंकि ये नेचुरल इफेक्ट देता है डार्क ब्राउन शेड और ये स्मच प्रूफ भी रहता है लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ। आप इसे यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद मैं NYB का कंसीलर ले रही हूँ अपने आईलिड्स को कवर करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो अपना कलर काफ़ी अच्छा देता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होके कलर शेड दिखते हैं। मैंने इसमें क्रीम कलर के बाद डार्क ब्राउन शेड लिया है। इसके बाद मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ और साथ में इसके बीच में मैं कट क्रीज बनाने के लिए NYB का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं रेड कलर का इसमें कलर ऐड करूँगी अपना, क्योंकि मैं ग्लिटर वाला मेकअप आई लुक कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बेस को भी उसी कलर में करूँगी। तो ये मैं रेड कलर अपना ले रही हूँ। इसके बाद ये है ग्लिटर आई शेडो को लगाने के लिए, काफ़ी अच्छा है। अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है ग्लू। ये आप ग्लिटर आई शेडो इसके थ्रू लगाएंगे तो वो फॉल आउट कम होती हैं और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। इसके बाद मैंने लाइनर लगा के ये आई लैशेज लगा ली है, फेक लैशेज, काफ़ी अच्छा लुक आता है। और इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन के लिए ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और वाटर लाइन पे मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं मास्क का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इससे जो नेचुरल लैशेज होती है वो भी थोड़ी सी बड़ी होके दिखती हैं, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। इसके बाद मैंने फिटमे का फाउंडेशन यूज़ करा है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर की लिपस्टिक, क्योंकि मेरा आई मेकअप जो है थोड़ा हैवी है इसलिए मैं ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब फेस कंट्रोल करने के लिए मैं ये ब्रॉन्जर ले रही हूँ ब्राउन शेड में। मैंने पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। उसके बाद मैंने पिंक कलर लिया है ब्लशर के लिए और नोज़ का भी कंट्रोल किया है और मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब करके अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगा के मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया है। अगर आप सेटिंग स्प्रे नहीं है तो ऐसे भी मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। सिंदूर के लिए मैंने पाउडर वाला सिंदूर अपना यूज़ किया है। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।